जो लोग काम करते सैलरी पर उनकी सैलरियां बढ़ेंगी। सिस्टर का नाम नीतू है और जे अमृतसर सुल्तान रोड लखा सिंह दे प्लांट दे रहने वाले हैं और जे सिस्टर की बहुत ही अद्भुत गवाही है और जे सिस्टर की गवाही जे जे बता रहे कि जे डेढ़ साल से प्राइवेट शोरूम में जे पीएन की जॉब करते थे और जे सिस्टर ने बताया कि जे हर संडे की मीटिंग में आ रहे थे और जे सिस्टर 6 फरवरी संडे की मीटिंग में आए थे और जैसे प्रभु के दास दुखियों बीमारों के लिए प्रार्थना कर रहे थे और प्रभु के दास के मुख से प्रोफेसी वर्ड आया कि जो लोग काम करते हैं परमेश्वर उनकी सैलरी को बढ़ाने वाले हैं। सबसे पहले हम इस वीडियो क्लिप को देखेंगे। मैंने कहा ऐसा होगा, 100% होगा। मैंने कहा 100% होगा। जो लोग काम करते सैलरी पर उनकी सैलरियां बढ़ेंगी। मैंने कहा जो लोग काम कर रहे हैं उनकी सैलरी बढ़ेगी, उनकी सैलरी बढ़ेगी। मैंने कहा उनकी सैलरी बढ़ेगी, मैंने कहा उनकी सैलरी बढ़ेगी। मैंने कहा ये होगा, मैंने कहा ये होगा, होगा होगा, 100% होगा। मैंने कहा 100% होगा, इसी मंथ में होगा। मैंने कहा इसी मंथ में होगा, यीशु के नाम से। तो जैसे ही जैसे सिस्टर ने इस वर्ड को रिसीव किया और इन्होंने बताया कि अभी परमेश्वर ने इनकी सैलरी को बढ़ा दिया है, प्लस जो इस संडे की छुट्टी कर मीटिंग में आते थे वो इनके पैसे काटते थे, अभी इन्होंने बोला है कि वो पैसे भी नहीं काटेंगे और जे बहुत खुश है कि परमेश्वर ने इनकी सैलरी को बढ़ाया, उनको ब्लेस किया है। तारीफ करो सबसे पहले इस बात की, जोर से जोर से जोर से। और सुनो, आप में से कितने लोग हैं जो मतलब ऐसे जॉब करते हैं किसी भी तरह की हो, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, मगर वो चाहते हैं कि मेरी भी सैलरी बढ़े? कितने लोग चाहते हैं? इसलिए खुदा की हजूरी में बने रहना बहुत ज्यादा फायदा है। आमीन। कह रहे ना, पता नहीं कब किस टाइम परमेश्वर आपके लिए क्या बोले। जैसे चेलों को कहा ना, यीशु ने कहा कि इस बात की परमेश्वर ने मुझसे प्रतिज्ञा की है। क्या की है? उसकी बात जोना और यरूशलेम, हाँ बोलो, यरूशलेम से बाहर ना जाना। परमेश्वर की प्रतिज्ञा की हुई बात की बात चोना, समझ आ रही है हमें? वो पूरी हुई, आज इनके जीवन में पूरी हुई। देखो, हर संडे ये खुदा की हजूरी में आते हैं, जहां पे ये जिस शोरूम में प्राइवेट अपनी पीएन की जॉब करते हैं, समझ आ रही? तो वो हर संडे की उस दिन की छुट्टी की सैलरी काट लेते थे। अभी संडे, हर संडे आएंगे, महीने में 4 संडे आ गए, समझ आ गई? अभी सुनो, आपकी सैलरी कितनी? पहला 5000 थी। हाँ सुनो, 5000 पहले, 5000 थी। अभी सुनने में लगेगा कि ये कौन सी बात है, 5000, अभी कितनी बढ़ गई? सुनो, ध्यान से सुनो सारी। अगर कोई आत्मिक है तो खुदा की प्रेस करेगा, महिमा करेगा, क्या करेगा? बात ये नहीं कि 1000 रुपया बढ़ाए, बात है परमेश्वर पर विश्वास लाने की। क्या है बोलो? क्योंकि देखो बोलो, अगर जो बंदा गरीब है उसके लिए 1000 रुपया भी बहुत है। जिसके पास बहुत है तो सबसे पहले तो वो धन्यवाद करे, क्या करे? जिसके पास है वो धन्यवाद करे, और जिसको परमेश्वर ने दिया है और वो बढ़ गया आकर मसीह में, वो भी धन्यवाद करे इस बात के लिए। समझ आ रही है? तो सुनो,
बात 1000 रुपया बढ़ने की नहीं है, और ये नहीं है कि हर संडे अब अनुभव करो, अभी अनुमान लगाओ 5000 से एक दिन के कितने पैसे हो गए, कितने पैसे हो गए, मैं भी 200 से भी कम, हाँ है ना, 180-185 के करीब करीब है ना। तो अगर 4 संडे ऐसे होगी मिस हो गए तो 185 के हिसाब से 80 के हिसाब से मैं भी 2, 4, 6, 8 700 कुछ रुपए है ना, करीब 700 ऐसे मान लें 75-70 के करीब करीब है ना, 770-75 के करीब। तो एक गरीब बंदे के लिए 770 रुपए बहुत होते हैं, वो बहुत कुछ उन पैसों से भी कर सकता है, कर सकता है कि नहीं कर सकता, ये छोटी बात नहीं है। अगर हम आत्मा से इन बातों को अनुभव करें तो छोटी बात नहीं है, समझ आ रही है। तो अभी परमेश्वर ने वो भी अनुग्रह किया क्योंकि हर संडे ये आ रहे थे, ये नहीं सोच रहे थे कि मेरी तो पहले सैलरी कम में 5000 में क्या आता है। पर सच्चा प्रेम जो इंसान करता है, लिखा परमेश्वर अन्यायी नहीं है कि वो भूल जाए, क्या जाए, बहुत सारे लोग हैं जो नहीं भी आते, बहुत सारे लोग मसीह में नहीं आते, क्या नहीं आते, पर ये सच्चा प्रेम है जो सब कुछ प्रकट करता है, क्या करता है, इसलिए परमेश्वर में की हुई मेहनत कभी व्यर्थ के व्यर्थ है। अगर कोई बंदा कर रहा है तो परमेश्वर उसे फल देता है, क्योंकि अन्यायी परमेश्वर नहीं है, बोलो क्या है, उसका फल देता है जैसे इसको दिया, बोलो क्या है। अभी हम दोनों चीजों को इकट्ठे करें, 4 संडे की छुट्टी जो काटते थे और प्लस 1000 में भी 1770 के करीब करीब परमेश्वर ने आशीष दी है, क्या दी है, 1770 की। और ये आशीष जो खुदा देता है वो 17,000 से भी ज्यादा प्लस है, मैं ये विश्वास करता हूं, जो खुदा की ओर से मिलता है, क्या मिलता है, किसे मिलता है, इसीलिए कहा दुष्टों के बहुत रखे हुए धन से धर्मी का थोड़ा सा धन भी क्या है, उससे उत्तम है, क्या है, उससे भी उत्तम है, जो कौन देता है, बोलो क्या है, क्योंकि जो परमेश्वर देता उसमें वो दुख नहीं मिलाता, जो आशीष परमेश्वर की ओर से उसमें दुख नहीं, हमें, और ये छोटी बात नहीं है। अगर आप आत्मिक को, बोलो क्या है, या जो ऑनलाइन इस गवाही को सुन रहे हैं या बाद में सुने, इस गवाही को अगर हम काट कर डालेंगे तो इसे शेयर करना ताकि लोगों को उसका प्रेम समझ आए, क्या है लोगों को उसका प्रेम समझ आए, ताकि खुदावन अपने लोगों को बहुत आगे लेकर जाए। उसने क्यों कहा, हम जब अवस्था सार, पंजाबी में बोलते हैं, हिंदी में अवस्था विवरण 28 की एक पढ़ते हैं, कहता है जथी तू मेरी सब आज्ञाओं को चित लगाकर चौकसी से पूरा करेगा तो मैं पृथ्वी की सब जातियों से क्या करता जाऊंगा, ऊंचा करता जाऊंगा, करेगा कि नहीं करेगा, कितने लोग विश्वास कर दिए, अगर हम परमेश्वर की मर्जी को पूरा करेंगे तो सच में अपने वचन के मुताबिक क्या करेगा, क्योंकि उसने उस परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का मालिक है, जो बनाने वाला, उसने कहा मैंने अपने नाम से भी ज्यादा महत्व किसको दिया, अपने वचन को दिया, जो वचन को पूरा करेगा सचमुच वो ऊंचा होगा, मैंने कहा 100% होगा। अगर खुदा ने इतना बढ़ाया है तो आने वाले दिनों में मुझे नहीं पता वो क्या कर सकता है, हो सकता है इसे सरकारी जॉब मिलने वाली हो, हाँ बोलो क्या मिलने वाली हो, अभी इसका 6,000 बोलो क्या है, 6,000 इसका मैं कहता हूं 30 में बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से, ऐसे होगा, ऐसे होगा यीशु मसीह के नाम से,
इसलिए ये छोटी गवाही नहीं है और इसकी तारीफ भी छोटी नहीं होनी चाहिए। जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से आमेन।